मृग तृष्णा अध्याय 34। मिंथ और राजीव राय इस समय डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी की आलीशान कोठी के सामने खड़े हुए थे। आयरन गेट पर एक पहरेदार खड़ा हुआ था। मिंथ ने उसे अपना परिचय दिया। मिंथ और राजीव राय के बारे में जानने के बाद पहरेदार ने एक विशेष बेल बजाई। कुछ पलों का इंतजार करना पड़ा। एक दूसरा व्यक्ति बंगले से बाहर आया। उसके आते ही गेट पर खड़े पहरेदार ने उसे उनके बारे में बताते हुए निर्देश दिया कि वो साहब डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी से कहें कि सीबीआई ऑफिसर मनोज मिंथ और राजीव राय उनसे मिलने आए हैं। कुछ समय पश्चात वे दोनों एक शानदार कमरे में डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के सामने थे। फर्श पर मखमली ऊन से सुसज्जित एक कीमती कालीन बिछा हुआ था। कमरे के मध्य भाग में एक मेज पड़ी हुई थी जिस पर रखी एस्ट्रे और लाइटर देखने में सोने के प्रतीत हो रहे थे। मेज के बाईं तरफ दो बेहद महंगे सोफे पड़े हुए थे तो दाईं तरफ एक शानदार कुर्सी। राजीव राय और मनोज मिंथ सोफे पर बैठे हुए थे जबकि उनके ठीक सामने की कुर्सी पर डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी बैठा हुआ था। तो आप प्रोफेसर हंस के बहुत अच्छे और एकमात्र मित्र थे, मिंथ ने बात प्रारंभ की। जी हां, अवनीश चतुर्वेदी ने संक्षिप्त जवाब दिया। प्रोफेसर की बहन दिव्या केसर को आप जानते थे? हां, बहुत अच्छी तरह से। उसकी हत्या की जा चुकी है। जानता हूं सर, और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ है। क्यों? आप कैसी बातें कर रहे हैं? चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ चतुर्वेदी ने आगे कहा, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। गुड। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां रहती थी? हाँ, वो मुंबई में रहती थी। एड्रेस? 34 बांद्रा ईस्ट मुंबई। मिंथ और राजीव राय दोनों एड्रेस सुनकर चौंक गए थे, लेकिन दोनों ने डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी पर अपनी हैरानी को उजागर नहीं होने दिया। वो यहां कब आई थी? मिंथ ने प्रश्न किया। जब उसके भाई की मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं, मर्डर, मिंथ ने कुरेदा। हां, मैं मर्डर की ही बात कर रहा हूं। ओके चतुर्वेदी साहब, अजीत महानवी की जांच में लिखा हुआ है कि दिव्या केसर का आगमन काफी दिनों बाद हुआ था। बहने तो भाई की मृत्यु पर दौड़ी चली आती हैं। आपकी बात सच है, लेकिन उस समय दिव्या केसर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से घिरी हुई थी, इसलिए वो तुरंत तो यहां ना आ सकी। वो यहां घटना के 9 दिन बाद आई थी। 4 दिसंबर 1999 को, राजीव राय ने कहा। जी हां। और सबसे पहले आपसे मिली थी? क्यों? उसे तो सबसे पहले या तो पुलिस के पास आना चाहिए था या प्रोफेसर के बंगले पर, राजीव ने प्रश्न किया। क्यों? वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकती थी? अवनीश चतुर्वेदी ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा। हमने ये नहीं कहा कि वो आपसे मिलने नहीं आ सकती थी, मगर मतलब तो सिर्फ इतना है कि कोई बहन जो अपने भाई की मौत से दुखी है, उसे सबसे पहले या तो पुलिस के पास आना चाहिए था या सीधे प्रोफेसर के बंगले पर पहुंचना चाहिए था। इस बार मनोज मिंथ ने जवाब दिया था। देखिए मिस्टर मिंथ, आप लोगों को मुझसे सवाल जवाब करने का फायदा तभी हो सकता है जबकि आप अपने संदेह का दायरा मेरे ऊपर लेकर ना चलें। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आप ये बेसिर पैर की बातें करके क्या हासिल करना चाहते हैं। चतुर्वेदी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं चमक रही थी। कुछ पल ठहर कर उसने आगे कहना शुरू किया। दिव्या केसर जब यहां आई थी तो ना तो उसके भाई की लाश मौजूद थी और ना ही कोई दूसरा निशान।
तो सब कुछ जानने के लिए मुझसे बेहतर कौन हो सकता था उसके लिए। आप ये भी भूल रहे हैं कि वो यहां काफी समय बाद आई थी। जब कोई व्यक्ति बाहर से किसी ऐसी जगह पर आता है जहां उसे कोई ना जानता हो, तो सबसे पहले अपने किसी शख्स से मिलता है, और उसके लिए इस अजनबी राजनगर में मेरे अलावा अपना और कौन हो सकता था। आपने उसे अपने पास ही यहां क्यों नहीं रखा? इतना बड़ा घर है आपका, मिंथ ने पूछा। उसकी अपनी मर्जी थी, आपने मान ली थी क्योंकि वो जिद पकड़ चुकी थी। यद्यपि मैंने उसे कह दिया था कि जब भी उसका मन करे तो वो यहां आ जाया करे। आपके अतिरिक्त राजनगर में उसका मिलने वाला कौन था? कोई नहीं। आर यू श्योर मिस्टर चतुर्वेदी? 101%। तो फिर आप ये बात अवश्य जानना चाहेंगे कि अपनी मृत्यु के 4 घंटे पूर्व दिव्या किसी के साथ हम बिस्तर हुई थी। क्या? बुरी तरह चौंकने का जबरदस्त अभिनय किया था डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी ने। असंभव, ये कैसे हो सकता है? चतुर्वेदी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। बिल्कुल हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिद्ध किया है। यदि ऐसा है तो मेरे लिए वास्तव में ये आश्चर्य का विषय है। जहां तक मैं दिव्या को जानता था, वो तो ऐसी लड़की नहीं थी। वो अपने मृत पति से तक इतना प्रेम करती थी कि उसने दूसरा विवाह तक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने ही उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की हो? नहीं हो सकता, मिंथ ने सपाट शब्दों में कहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। समर्पण उसने जानबूझकर किया है। उसके पूरे शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे लगता हो कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका कोई बेहद करीबी ही इस सब का जिम्मेदार हो। लेकिन वो तो मेरे अलावा शायद ही किसी से मिलती थी। यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि कहीं, मिंथ जानबूझकर इतना कहकर रुक गया। एक मिनट मिस्टर मिंथ, आप कहना क्या चाहते हैं? लगभग चीख पड़ा था डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी। की पीस मिस्टर चतुर्वेदी, हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है। मिंथ की आवाज इतनी कड़क थी कि चतुर्वेदी अंदर तक हिल गया। फिर वो आगे बोला, तो क्या इतना घिनौना आरोप मुझ पर लगाया जाएगा? किसने लगाया? आपने। कब? अभी। क्या कहा था मैंने? चतुर्वेदी हिचकिचाकर रह गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाया। मनोज मिंथ ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट बरामद किया और उसने डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को सिगरेट ऑफर की। चतुर्वेदी ने मिंथ को धन्यवाद कहते हुए उससे सिगरेट लेने के बजाय अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। राजीव राय की उंगलियों के बीच में भी एक सिगरेट नजर आने लगी। अवनीश चतुर्वेदी ने अपना गोल्डन लाइटर मेज पर से उठाया और मिंथ की सिगरेट को सुलगाना चाहा। सॉरी मिस्टर चतुर्वेदी, मैं सिगरेट सदैव अपने लाइटर से ही जलाता हूं। इतना कहकर मिंथ ने अपना लाइटर हाथ में लेकर अपनी और राजीव की सिगरेट जला ली, जबकि चतुर्वेदी ये काम पहले ही कर चुका था। देखते ही देखते कमरा अब ढेर सारे सिगरेट के धुएं से भर गया। मनोज मिंथ ने अपना लाइटर भी मेज पर रख दिया। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर चतुर्वेदी, कि इंस्पेक्टर अजीत महानवे को प्रोफेसर की बहन के बारे में आपने ही बताया था? मिंथ ने पूछा। हां, चतुर्वेदी ने संक्षिप्त जवाब दिया। आपके पहले बयान के अनुसार वो मर चुकी थी, लेकिन बाद में जब वो एक अजूबे की भांति सामने आई तो आपने अपने पहले बयान का कारण बताते हुए यही कहा था कि दिव्या केसर मरी नहीं थी और आप ही उसके सबसे अधिक करीबी थे। तो क्या हुआ? चतुर्वेदी ने बेचैनी से पहलू बदला।
इसके बाद जिस रात हमने प्रोफेसर की खोज का पता लगाया था, उस रात हमारी निगरानी कोई लड़की ही कर रही थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी निगरानी कोई लड़की ही कर रही थी? चतुर्वेदी ने कहा। क्या मतलब? मिंथ और राजीव दोनों ही चौंक गए थे। मिंथ ने आगे कहा, किसी लड़की द्वारा हमारे निगरानी करने पर क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ऐसे काम लड़कियां थोड़े ही ना करती हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, भागने वाले ने उस समय जनाना सेंट लगा रखा था। ओह, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो लड़की दिव्या केसर थी? बेशक वही थी, मिंथ ने दृढ़ता से कहा। आप गारंटी से ये बात कैसे कह सकते हैं? मुझे उसके कमरे से उसी जनाने सेंट की शीशी मिली है जो भागने वाली ने उस समय लगा रखा था। अवनीश चतुर्वेदी के चेहरे पर ढेर सारी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी घबराहट नहीं छिपा पा रहा था। आप घबरा क्यों रहे हैं? अभी तो मेरी बात पूरी ही नहीं हुई है, मिस्टर मिंथ ने कहा। आपको वहम है कि मैं घबरा रहा हूं। चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसके तुरंत बाद मिस्टर चतुर्वेदी, हमारे ऊपर हमला हुआ और हमसे फॉर्मूले छीनने का प्रयास किया गया। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समाचार पत्रों में ये सारा घटनाक्रम पढ़ चुका हूं। इसलिए मिस्टर चतुर्वेदी, क्योंकि जो लड़की उस दिन हमारी निगरानी कर रही थी वो शत प्रतिशत दिव्या केसर ही थी, और वो आपके बेहद करीब थी। मिस्टर मिंथ, ये संदेह आपको क्यों और कैसे हुआ? और आपको सबूत कहां से एवं कैसे मिल गए? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपको कोई वहम है कि वो दिव्या केसर थी। आप सोचिए, वो छिपकर क्यों जाती? वो प्रोफेसर की बहन थी, वो आपसे सीधे भी मिलने आ सकती थी। मिस्टर चतुर्वेदी, यही वो लड़की दिव्या केसर ना होती तो आज उसकी हत्या नहीं हुई होती। मुझसे सीधे ना मिलने का कोई भी कारण हो सकता है। कैसा कारण? यही तो मुझे पता करना है। ओह, आई सी। चतुर्वेदी साहब, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक आपको देश में या देश के बाहर कोई यात्रा नहीं करनी है। क्यों? इसका कारण जान सकता हूं? जी हाँ, सावधानी समझ लीजिए। आपसे सहयोग अपेक्षित है। कुछ पलों के लिए दोनों ओर से शांति व्याप्त हो गई, जिसे अंततः मनोज मिंथ ने तोड़ा। अच्छा मिस्टर चतुर्वेदी, अब हम चलते हैं, शीघ्र ही दोबारा मिलेंगे। और हाँ, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के साथ ही मिंथ और राजीव राय उठ खड़े हुए। वे कमरे के गेट तक ही पहुंच पाए कि मनोज मिंथ को याद आया कि उसने अपना लाइटर तो मेज पर ही छोड़ दिया है। चतुर्वेदी साहब, मेरा लाइटर मुझे देने का कष्ट करेंगे? क्यों नहीं, कहते हुए डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी ने कुर्सी से उठकर मिंथ को उसका लाइटर दे दिया। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी से लाइटर हासिल करने के बाद मिंथ ने उसे सावधानी से अपनी जेब के हवाले किया और वहां से राजीव राय के साथ वापस चल पड़ा। अवनीश चतुर्वेदी के हाथ कांप रहे थे। थोड़ा बाहर आने के बाद राजीव राय ने मिंथ से पूछा कि गुरु, चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास व्याप्त कारण है, तो आखिर हमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मिंथ ने बस इतना कहा कि चतुर्वेदी को मैंने जानबूझकर खुला छोड़ा है और चतुर्वेदी ही वो कड़ी है जो हमें इस पूरे षड्यंत्र तक लेकर जाएगा। अध्याय 34 समाप्त होता है।